हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं ITI CVT री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, यानी कि जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम दे चुके थे फिर भी उनका री एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आ गया है और ये DGT के डाटाबेस में गड़बड़ी के कारण हुआ है। तो आप भी अपना चेक कर लें कि कहीं आपका री एडमिट कार्ड तो नहीं आया है री एग्ज़ाम के लिए, यानी कि आपका एग्ज़ाम जनवरी और दिसंबर लास्ट में हुआ है या जनवरी शुरुआत में हुआ है, तो भी आपका वो दोबारा से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन का दिखा रहा है कि आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, ये सभी वीडियो में बताएंगे और उसका सोल्यूशन क्या है ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए, यदि आप चेक नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा कि आप जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं अगर वो अपडेट नहीं हुआ, आपने चेक नहीं किया, तो आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा ना तो रिजल्ट में आपका एब्सेंट आएगा, ठीक है। इस वजह से आप लोग भी चेक कर लें दोबारा एग्ज़ाम होगा, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, वरना एब्सेंट रिजल्ट आएगा तो इसकी दोषी आप होंगे खुद। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, अगर आप चेक करने के लिए आप पूरा अपने NCVT MIS पोर्टल पे आएंगे, NCVT MIS पोर्टल पे, और आपको करना क्या है कि यहाँ पे ट्रेनिंग पे चले जाना है और ट्रेनिंग पे जाने के बाद आपको ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद ट्रेनिंग प्रोफाइल दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ट्रेनिंग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 00 करके होगा तो 00 निकाल दीजिएगा और उसके जगह R इंक्लूड कर दीजिएगा। उसके बाद आपके अपना फादर नेम यहाँ पे पूरी डिटेल में देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ दीजिएगा और आपका जो इमेज दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और आप 2-3 बार ऐसा करेंगे क्योंकि कैप्चा बार बार दोबारा मांगने लगेगा, तो आपको 2-3 बार ऐसे करना है और फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका दिखाई देने लगेगा एडमिट कार्ड। वहाँ पे एलिजिबिलिटीज में जाकर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आया हुआ है जिसको आप मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम जनवरी शुरुआत में ही दिए हुए थे, फिर भी उनका री एग्ज़ाम के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए फिर से डेट आ गया है, और ऐसे में अगर आप लोग नहीं देते हैं तो आपका एब्सेंट आ जाता है। ऐसे कैंडिडेट के साथ हो चुका है, कई बार मैं देखा भी हूँ क्योंकि मैं भी एक ITI में टीचर हूँ तो मुझे पता है, और लड़कों के साथ ऐसा हो जाता है कभी कभी डाटाबेस के कारण गड़बड़ी हो जाती है और आपका रिजल्ट जो है एब्सेंट दिखाने लगता है आपके एग्ज़ाम देने के बाद। तो वो क्यों होता है देखिए इस वीडियो में, तो ये ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए, ये कैंडिडेट जो है इनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो पेपर है ये 6 जनवरी 2022 को हुआ था, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी हुआ था, लेकिन इनका दोबारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 27 जनवरी 2022 को दिखाने लगा है, ठीक है। और आज अभी 24 जनवरी है, यानी कि 27 जनवरी को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिखाने लगा है और वर्कशॉप कैलकुलेशन भी दिखाने लगा है। हालाँकि इनका एग्ज़ाम हो चुका था। एक और कैंडिडेट का मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देना चाहता हूँ, इनका भी एग्ज़ाम हो गया था फिर भी ये गड़बड़ी हो गई है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ कहीं ऐसा तो गड़बड़ी नहीं हुआ है। देखिए, ये कैंडिडेट का एग्ज़ाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन का 7 जनवरी को हुआ था, ठीक है, दोनों का 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी 2022 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन, फिर भी इनको दोबारा से दिखाने लगा है कि 28 जनवरी 2022 को और 28 जनवरी 2022 को वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों का पेपर इनका शो हो रहा है। तो ऐसे में अगर मेरा जो डिसाइड मानेंगे, आप लोग अगर पहले वाले को छोड़ देंगे कि आपने एग्ज़ाम देकर आया है तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में एब्सेंट आ जाएगा। तो यदि देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पे शो कर रहा है 28 जनवरी को, तो अगर 27 जनवरी के सामने आप लोग चेक करिएगा, यदि अपना एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड करिएगा और उसमें चेक करिएगा 27 जनवरी 2022 तक यदि आपका ये सही हो जा रहा है तब तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने जाना होगा। यदि आपका सही नहीं हुआ तो आपको क्या करना होगा, आपको एग्ज़ाम जाकर देना होगा दोबारा से, और आप लोग अपने टीचर से कन्फर्म करेंगे तो वो लोग अगर कहेंगे कि आप एग्ज़ाम में मत जाइए, एग्ज़ाम मत दीजिए, आपने एक बार दे दिया है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप ज़रूर जाइएगा क्योंकि आपका अगर शो कर रहा है तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका जब रिजल्ट आएगा ना तो एब्सेंट आएगा। ऐसे कई कैंडिडेट के साथ हो गया है, ठीक है। इसी तरह की ITI से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी के लिए यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन की तैयारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और पर्सनल बातें करने के लिए आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा इंस्टाग्राम पे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय।